राजस्थान में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई करने वाले लोकायुक्त पद पर पीके लोहरा की नियुक्ति हो गई। शपथ भी ले ली गई है और लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करने की रस्म अदायगी भी हो गई। लेकिन सवाल यही कि यह नखदंत विहीन पद किस काम का है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए लोकायुक्त को कार्यालय मिला, कमरे मिले, लेकिन स्टाफ के नाम पर कुछ नहीं है, पूरा दफ्तर खाली है। ऐसे में ये दफ्तर चलेगा कैसे, संशय यही है। हालांकि पीके लोहरा कहते हैं कि जो जिम्मेदारी दी गई है वे उसे निष्ठा के साथ पूरी करेंगे। मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं कोई टॉल क्लेम्स अभी नहीं करूंगा कि मैं वो कर लूंगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसका मैं जो निवारण जो है सुचारू रूप से कर सकूं, और जो जो शिकायतें मेरे पास आएगी, अगर मुझे लगता है कि कहीं जो है मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, मुझे उसमें इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है, अन्वेक्षण करने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की आवश्यकता है, तो मैं अवश्य करूंगा। दफ्तर में अधिकारियों कर्मचारियों का टोटा और प्रदेश भर के लगभग 8,000 मामले लंबित, साथ ही दूसरे विभागों से लगाए कर्मचारियों का डेपुटेशन भी खत्म कर मूल विभागों में भिजवा दिया गया है, तो बिना नखदंत के लोकायुक्त काम कैसे करेंगे। उप लोकायुक्त का पद खाली, सचिव अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, UDC, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखाकार और जनसंपर्क अधिकारी के पद 20 मार्च 2020 को समाप्त कर दिए गए। प्रमुख सचिव एक पद समाप्त, प्रमुख निजी सचिव 4 पद समाप्त, संयुक्त सचिव 4 पद समाप्त, उप सचिव 2 पद समाप्त, सहायक सचिव 3 पद समाप्त, पुलिस प्रकोष्ठ 15 पद समाप्त। लोकायुक्त को जिम्मेदारी दे दी गई है, लोकायुक्त दायित्व भी समझते हैं, लेकिन वे बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी से जूझते हुए कैसे इस पद की जिम्मेदारी उठाएंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। ETV भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट।